बिग बॉस के किस एक्स कंटेस्टेंट ने रिवील किया अपने टॉप थ्री जिनके नाम सुनकर आपके उड़ जाएंगे होश? क्या है पूरी अपडेट, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा पोस्ट। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिनाले के लिए बस अब 2 हफ्ते ही बचे हैं और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, घर के अंदर हो या फिर बाहर, लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि आखिर भाई किसके हाथ लगेगी ट्रॉफी, कौन बनेगा इस ट्रॉफी का असली हकदार। और फैंस की अगर मैं बात करूं तो वो अपने फेवरेट्स को जिताने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जैसे शिव को लेकर अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड चल रहा है, प्लस प्रियंका को लेकर, और ये ही 2 कंटेस्टेंट्स हैं, मतलब सुम्बुल भी हैं, स्टैन भी हैं, जिनको लेकर ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चले हैं। तो आपको बता दूं कि जो राजीव अदाटिया हैं, जो कि बिग बॉस के घर में भी जाकर आए थे और 16 में भी गए थे एज अ गेस्ट, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अपने ट्वीट्स के जरिए अपने ओपिनियंस शेयर करते रहते हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया है, प्रियंका, शिव एंड अर्चना टॉप थ्री, आई कैन फील इट, द मोस्ट डिजर्विंग इन द सेंस ऑफ एडिंग टू द शो। प्रियंका, शिव और अर्चना ये मेरे टॉप थ्री हैं और ये टॉप थ्री होंगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, और जो कि सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है, चाहे शो में कुछ भी अपने तरफ से योगदान जो इन्होंने सबसे ज़्यादा दिया है। तो लोगों का कहना है कि वेल सेड ट्रू, वोट्स भी आने चाहिए अर्चना को, आपके कहने से कुछ नहीं होगा भाई, आपके मुंह में घी शक्कर, डेफिनेटली डोंट वांट निमृत और सुम्बुल और शालिन देयर इन टॉप थ्री जस्ट बिकॉज ऑफ देयर चैनल कनेक्शन, ओनली प्रियंका एंड अर्चना, शिव मंडली के सहारे आया है। फिर एक का कहना, अर्चू विल, वॉट अबाउट शालीन भनौत, आई एम नॉट हिज फैन बट स्टिल आई बिलीव हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द शो इज मोर देन एनी वन। हाँ, लेकिन उनका योगदान टीना को लेकर सबसे ज्यादा रहा है, तो मुझे तो मैं टॉप थ्री में नहीं देखती शालीन को, मैं टॉप थ्री में शिव, प्रियंका, अर्चना और सुम्बुल को भी मैं देखती हूँ, बट बाकी किसी को नहीं। परफेक्ट, फिर येस दे आर डिजर्विंग, नॉट श्योर वॉट मंडली इज डूइंग इन साइड, येस मोस्ट डिजर्विंग टॉप थ्री। तो इस तरीके से लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं और उनके इस ट्वीट पर एग्री कर रहे हैं कि हाँ, हमें भी लगता है कि ये टॉप थ्री हो सकते हैं, ये टॉप थ्री में नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, ये सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। आपके हिसाब से टॉप थ्री में कौन होगा बता दीजिए कॉमेंट सेक्शन में, और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा पोस्ट।